in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things. This is crazy. हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं एक लॉन्ग क्यू में, जो कि मतलब यूँ जा के यहाँ से घूम के और इंटरनेशनल वहाँ से है. एंड लुक एट हर, आई एम ग्लैड कि ये बड़े शौक में ही इसने शुक्र है पहना हुआ है मास्क. सो लेट्स सी ये कब तक पहनती है. मुझे सो नाउ यहाँ पे भी हमें चेक इन करना है एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न. बहुत क्रेजी सीन है भाई यहाँ पे, बहुत शदीद रश है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं. लुक एट हिम. इट्स बीन एन आवर और अभी तक हमारा बिल्कुल टाइम नहीं हुआ है कि बारी आए. बहुत लंबी लाइन है यार, बहुत लंबी लाइन है. एंड इट्स टायरिंग और मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है इस मास्क में. बहुत मुश्किल है ये लाइफ. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए मेरी फ़र्स्ट वीडियो पे. और जो लोग अभी तक न्यू हैं, जो मुझे न्यू फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा. उससे आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आती रहेंगी. अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ. जिस तरह से आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही है कि प्रीवियस क्लिप्स में सॉरी देखा ही है कि किस तरह से हम लोग एयरपोर्ट गए और जाके हम वापस आए. हम लोगों ने जाना था इस्तांबुल के लिए. इस्तांबुल में मैं रहती हूँ, हम लोगों ने इस्तांबुल के लिए जाना था बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ नहीं जा सके क्योंकि कोविड सिचुएशन की वजह से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में मतलब पाकिस्तान और USA बैन हुआ हुआ है. और अनफॉर्चुनेटली हमारे इस नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से हम लोग बहुत सारे कंट्रीज़ में बैन हैं. हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वो लोग सिर्फ पासपोर्ट होल्डर्स को जाने दे रहे थे, हमें उन्होंने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी. हम ऑल द वे यहाँ से गए, हम 2 बजे के लाइन में खड़े हुए और उसके बाद हमारा 4:30 बजे नंबर आया. जब हमारा 4:30 बजे नंबर आया और वहाँ जब हमने बात की, हमने जाके अपना रेजिडेंट कार्ड और अपना पासपोर्ट वगैरह सब उनके सामने रखा तो उन्होंने हमें जाने से इनकार कर दिया, जिससे हमें बड़ी परेशानी हुई. और उसके बाद जब हम लोगों ने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि यस दे आर राइट, अचानक से इमरजेंसी में रात को 10:30 बजे ये एक रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाई है, जिसको अभी कोई कुछ कह नहीं सकता था. हम उस टाइम पे तो खामोशी से घर आ गए. उसके बाद हमने अपनी वर्किंग की. सो ये चीज़ें, जो चीज़ें हैं आप लोगों से शेयर करने वाली कि हमारे बिहेवियर और हमारे मुल्क के कुछ ऐसी सिचुएशन है जो हम लोगों को फ़ेस करनी पड़ रही है. सो प्लीज़ अपने SOPs का ख्याल रखें. सोशल मीडिया पे गैर मतलब नॉन सीरियस बातें मत लगाएं. आपको नहीं मालूम कि कितने सारे लोग उससे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जिस दिन हम लोग आए हैं हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस आए, बहुत सारे वर्क परमिट वाले वापस आए. हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत सेट बैठे हुए हैं. जो लोग वर्क परमिट वाले थे, मुझे उनका बहुत ज़्यादा सोच के हो रहा था कि उनका सारे घर का सब चीज़ें उनके रिलाय करती हैं अपने काम से और वो बेचारे. मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करती जाऊँगी कि आप लोगों को बताऊँ कि पाकिस्तान में कोविड का टेस्ट बहुत बहुत महंगा है. हमने अपना कोविड का टेस्ट कराया था इसी दौरान ही और उसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड था सिर्फ 4 दिन का, 92 आवर्स उन्होंने हमें दिए थे. बट अनफॉर्चुनेटली हमारा वो कोविड टेस्ट ज़ाया हुआ. अब जब भी हमने नेक्स्ट जाना होगा, जब भी हम नेक्स्ट गए हमने दोबारा अपना टेस्ट कराया और वो इतना हमें एक्सपेंसिव पड़ा कि 1 पर्सन कोविड टेस्ट हमें 10,400 का पड़ा. और इस तरह से हम 3 बंदे थे तो आप सोच लें कि हमारा ये कोविड बिल कहाँ तक गया टेस्ट का.
तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए प्लीज़ कुछ बातें ऐसी हैं कि नॉन सीरियस बिहेवियर आपको नहीं मालूम कि वो कितना इफ़ेक्ट करता है। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग सोर्स है आपका, आपकी रिप्यूट बनाने के लिए। और इसी तरीके से हम नॉन सीरियस तरीके से अगर अपना सोशल मीडिया यूज़ करते रहेंगे तो हम अपनी रिप्यूट बहुत ख़राब कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल कर रहे हैं। और कंपलसरी है कोविड टेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़, इसीलिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के सोशल मीडिया पे बात करें और उन लोगों के लिए आसानी करें जिनके लिए आगे काम है, जिनके रिस्क हैं बाहर, जिनके लिविंग बाहर है और वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम हेयर इन इस्तांबुल, हम लोग इस्तांबुल पहुंच चुके हैं और आप इंतज़ार करें मेरे नेक्स्ट व्लॉग का, उसमें मैं बताऊँगी हम किस तरह से इस्तांबुल आए। और वो एक पूरी ड्रिल थी, एक बहुत ज़्यादा केओस था जो कि हम लोगों ने फेस किया। उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोगों का मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है, इसलिए प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप लोगों को मेरे जो हैं आगे जा के वीडियोज़ और मिलें। मैं नई हूँ, मैं यहाँ पर बहुत कुछ सीख रही हूँ, आपका फीडबैक ही मुझे ग्रो करेगा। तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।